नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज़। आज शुक्रवार को डीआरएम मुरादाबाद श्री तरुण प्रकाश ने ऋषिकेश जाते समय नजीबाबाद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर कुंभ यात्रियों को रेलवे की ओर से आवागमन सुविधाएं देने के लिए जायजा लिया। अगले साल 2021 में हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होना है, जिसमें नजीबाबाद, ऋषिकेश और लक्सर रेलवे स्टेशन अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। हम आपको बता दें कि कुंभ महापर्व के लिए रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 14 जनवरी सन 2021 से कुंभ महापर्व को लेकर ऋषिकेश जाते समय आज डीआरएम मुरादाबाद श्री तरुण प्रकाश ने नजीबाबाद रेलवे स्टेशन का दौरा किया। मुरादाबाद की सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा और तकनीकी अधिकारियों के साथ स्पेशल ट्रेन से आज प्रातः डीआरएम नजीबाबाद पहुँचे। डीआरएम ने कुंभ के दौरान हरिद्वार पहुंचने वाले यात्रियों को तत्काल वापसी की रेलवे की तैयारियों की समीक्षा की। रेलवे ने हरिद्वार से नजीबाबाद, ऋषिकेश और लक्सर के लिए विशेष स्नान पर्वों पर सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार विशेष रेलगाड़ियां चलाने की व्यवस्था की है। डीआरएम तरुण कुमार ने ईडीईएन अभिषेक कुमार सिंह, एसएस जयपाल सिंह, सीएमआई आरके सिंह और सीआईटी गजेंद्र सिंह के साथ नजीबाबाद स्टेशन परिसर का दौरा, कुंभ के दौरान यात्रियों को सुरक्षित यातायात सुविधा मुहैया कराने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। डीआरएम के अनुसार विशेष स्नान पर्व पर नजीबाबाद में 1500 यात्रियों के आवागमन का अनुमान है। आसपास के जनपदों से आने वाले यात्रियों को भी रेलवे नजीबाबाद से सुरक्षित हरिद्वार पहुंचाया जाएगा। नजीबाबाद से अपने सहयोगी राजपाल सिंह चौहान के साथ मैं राजवीर सिंह। आपको पता होगा कि आगामी वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन करा जाना है उत्तराखंड में। जी सर, उसके संदर्भ में जिन जिन मेलों पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पैसेंजर की संख्या बढ़ जाएगी, जी वहाँ पर क्या और अरेंजमेंट करे जाने, उस सिलसिले में देखना चाहता हूँ। आवश्यक निर्देश प्रसारण अधिकारी को दे दिए गए, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, ये जो बाकी ट्रेनें रुकी हुई हैं कब तक चल पाएंगे? देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि देश में कोविड की 19 का संक्रमण है, जी फिर से फैलना शुरू हो गया है। जी, तो कोविड 19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे करके ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस करा जाएगा। ठीक है।